हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताऊंगी प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, इसमें क्या होता है कि कम समय में हम बहुत से अधिक प्लांट को हम उगा सकते हैं। टिश्यू कल्चर इज़ एन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल्स और टिश्यूज अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स कंडीशंस इन लिक्विड और सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया। इसको न्यूट्रिएंट मीडिया में इसको उगाया जाता है। सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलिटिस रीजेनरेट प्लांट। इसमें देखो क्या होता है, इसके डायग्राम के थ्रू हमें समझ में आ रहा है। इसमें इजी सा प्रोसेस है, मतलब किसी भी प्लांट हो, कुछ भी हो, उसका हम कुछ भी हिस्सा ले सकते हैं। हमने क्या लिया, एक प्लांट का हमने एक लीफ लिया, उसका लीफ का हमने उसका सेक्शन को काटा हमने, तो उसका जो टुकड़ा था उसके टुकड़े को हमने इसके अंदर डाला। तो इसमें हम डाला तो इसके बाद हम इसमें आ गया, तो इसमें थोड़ा सा अंकुरण हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें प्लांट अत्यधिक प्लांट जन्म गया। मतलब एक या दो टुकड़े से हम कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसको कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर वॉज ए न्यू एडिशन टू द मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो प्लांट ब्रीडिंग का एक न्यू पद्धति है। मतलब प्लांट ब्रीडिंग से तो हम पौधे को अधिक उगा सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है और कम समय में ज़्यादा प्लांट को हम नहीं ग्रो कर पाते हैं। और प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या होता है कि हम अत्यधिक पौधे को हम उगा सकते हैं कम समय में। तो इसमें यही कहा गया है, सिंस द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स कॉल्ड नॉट फुलफिल द रिक्वायर्ड डिमांड ऑफ क्रॉप्स टिश्यूज कल्चर कम अराउंड एज अ ग्रांड लीप इन ब्रीडिंग प्रैक्टिस। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो ब्रीडिंग के जो टेक्निक है, ब्रीडिंग टेक्निक, उसमें कम समय में हम उसके डिमांड को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उसी के कारण हमने चलते प्लांट टिश्यू कल्चर को हमने देखा और उसमें अत्यधिक प्लांट कम समय में हम बना सकते हैं। इट मेक्स यूज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट टू जनरेट मल्टीपल कॉपीज। इसमें पौधे के कोई से भी पार्ट को हम यूज़ करके बहुत सारे प्लांट के कॉपीज़ हम इसमें बना सकते हैं। द प्लांट इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कम समय में हम एक छोटा सा प्लांट का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। द टेक्निक एक्सप्लोर्स द प्रॉपर्टी ऑफ टोटिपोटेंसी ऑफ प्लांट सेल। अब आप सोचेंगे कि टोटिपोटेंसी में क्या होता है। टोटिपोटेंसी मतलब होता है, टोटी मतलब होता है टोटल, पोटेंसी मतलब एबिलिटी, मतलब जो पौधा होता है उसका टोटल एबिलिटी, टोटल एबिलिटी, इसका मतलब ये होता है टोटल एबिलिटी, प्लांट की टोटल एबिलिटी। विच मीन्स दैट एनी सेल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी यूज्ड टू जनरेट अ होल न्यू प्लांट। मतलब कोई भी प्लांट्स कम पार्ट से हम कम समय में मतलब पूरा पौधा हम तैयार कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, इसकी 6 पद्धति होते हैं। देखो, सबसे पहला तो है सीड कल्चर, एम्ब्रायो कल्चर, कैलस कल्चर, ऑर्गन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एंथर कल्चर। यूजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो प्लांट टिश्यू कल्चर का यूजेस क्या है, तो इसका अब तो समझ गए होंगे कि इसका क्या ही यूज़ हो सकता है। तो हम आपको बताते हैं, टिश्यू कल्चर इज़ यूज्ड टू डेवलप थाउजेंड्स, मतलब टिश्यू कल्चर जो है इसका प्रयोग करके हम थाउजेंड की संख्या में ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिफाइड फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट प्लांट नॉन एज सोमा क्लोन्स। मतलब कि हम एक ही पेरेंट प्लांट से हम थाउजेंड की संख्या में प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, और ये पद्धति क्या कहलाएंगी, सोमा क्लोन्स, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। और इसका ऑडिट है हमारे पास, यूजेस यूज्ड टू डेवलप डिजीज फ्री प्लांट। इससे क्या होता है कि डिजीज फ्री प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं।